अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फॉर यू कोचिंग सर्कल। मैं हूं उसामा नूर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। रेडिकल इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल के नीचे आ जाए। रेडिकल किसको बोलते हैं? अंडर रूट को हम क्या बोलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स? इसको हम बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। तो ऐसी एक्सप्रेशन डेफिनेशन है उसकी, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसका जो है, ऐसी इक्वेशन जिसकी एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल के नीचे आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे? रेडिकल इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक एग्जाम्पल दी गई है, हमारे पास ये एक इक्वेशन थी x प्लस 3, तो वो रेडिकल के अंडर आ गई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडिकल इक्वेशन बोलेंगे। रेडिकल इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास डिफरेंट भी हो सकती है, यानी कि दोनों साइडों पे। फॉर एग्जांपल, इसमें हमारे पास ये भी आ सकता है x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि दोनों साइडों पे जो है वो इक्वल की दोनों साइडों पे भी रेडिकल आ सकता है, नो इशू, ठीक है। रेडिकल जो है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, यानी कि जिस तरह आप देख लें कि रेडिकल के नीचे आ जाए x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये भी हो सकता है, नो इशू, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएंगे उसको आपने करना होता है चेकआउट, ठीक है। यानी कि जहां ये जो हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, आप इसमें, हमने क्योंकि यहां पे वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है, तो एक्स के जो आंसर आएंगे आपने उन आंसर्स को यूज़ करके वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। अगर दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी तो वो हमारे पास जो है उसका सोल्यूशन सेट होगा। अगर दोनों साइडें आपस में इक्वल नहीं आती तो वो हमारे पास एक्सटेनियस रूट्स होंगे। आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह होनी है। उम्मीद करता हूँ रेडिकल इक्वेशन की आपको समझ आ गई होगी। अब बात करेंगे हम लोग एक्सटेनियस रूट्स और जो एक्सरसाइज है इसकी, उसकी एक्सरसाइज हमारे पास है 1.4। एक्सरसाइज हमारे पास है जी 1.4। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें देखते साथ ही ये पता चल जाएगा कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्योंकि ये रेडिकल के नीचे है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडिकल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व किस तरह करना है? सबसे पहले हमने रेडिकल को ख़त्म करना होता है। रेडिकल किस तरह ख़त्म होगा? जब हम स्क्वेयर लेंगे तो रेडिकल फिनिश हो जाएगा। टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड करवा लेंगे जी, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास 2x प्लस 5 उसका स्क्वेयर दूसरी साइड पे आ जाएगा जी 7x प्लस 16 इसका स्क्वेयर। डियर स्टूडेंट, स्क्वेयर अंडर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका हम स्क्वेयर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है जी? a प्लस बी उसका होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a का स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वेयर, ये फॉर्मूला आता है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। 2x का स्क्वेयर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, 2x फर्स्ट वैल्यू 5 सेकेंड प्लस 5 का स्क्वेयर आ गया, और ये वाली स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो 7x प्लस का 16 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका स्क्वेयर खोलेंगे तो 2x का स्क्वेयर हमारे पास होता है 4x का स्क्वेयर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 20x प्लस 5 का स्क्वेयर हमारे पास 25 इज इक्वल टू 7x प्लस का 16। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा, ये वाली वैल्यूज जो है इसको उठा के इस साइड पे ले आए। ये हमारे पास है जी 4x का स्क्वेयर प्लस 20x माइनस का 7x प्लस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, 4x का स्क्वेयर प्लस 20x में से 7x माइनस करवाएंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा जी 13x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, अब इसकी हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किस तरह करनी है वो मैंने आपको समझाई थी 1.3 में, और
हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी। इसके फैक्टर हमारे पास दो बन जाएंगे। कैसे बनते हैं जी? क्योंकि हम सबसे पहली को सबसे लास्ट वाली से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास 36x का स्क्वायर। अब अगर इन्हीं को प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास 13x बन जाएगा। तो किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जी? ये 4x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमारे पास 4x प्लस 9x प्लस 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब इन दोनों में से हम लोग 4x कॉमन ले सकते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1, और इन दोनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं जी। x प्लस, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 1 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, x प्लस 1 एंड 4x प्लस 9 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। अब इनको हम क्या करेंगे, अलहदा अलहदा जो है वो 0 के इक्वल रख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा जी 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा जी? माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 1 और 4x इज इक्वल टू माइनस का 9, x इज इक्वल टू माइनस 9 ओवर 4। तो ये दो रूट्स आ गए हमारे पास किसके? x के। अब हमने इनको चेकआउट करना है कि किस पे हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्ट सही आ रहा है। यानी कि यहाँ पे इस इक्वेशन को आप लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल लें, इसको 1 में पुट करवा के चेक कर लें। अगर दोनों साइडों पे आंसर इक्वल आता है x की जगह पे, तो ये हमारे पास आंसर ठीक होंगे। अदरवाइज जो आंसर आएगा वो हमारे पास उसका आंसर होगा, अगर जो इक्वल नहीं आएगा वो एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं जी, हम लोग यहाँ पे इसको चेक करने जा रहे हैं जी। चेक करेंगे, पहले पुट करवा लेंगे जी x इज इक्वल टू माइनस 1 इन 1। ठीक है, जब आप 1 में पुट करवाएंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास है 2x, x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 1 प्लस का 16। तो 2 को माइनस 1 से, तो माइनस का 2 प्लस 5, ये हमारे पास माइनस का 7 प्लस का 16 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 5 में से अगर हम लोग माइनस का 2 करते हैं तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? 3। इधर हमारे पास आ जाएगा जी 16 में से 7 जाएंगे तो बाकी 9। 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्केयर, क्योंकि 9 है तो 9 3 का स्केयर बन जाएगा। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास बात हो गई ट्रू कि x माइनस 1 जो है वो इसका रूट है। ठीक है, तो अब दूसरा चेक कर लेते हैं जी। दूसरा हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस 9 ओवर 4 पुट इन 1। ठीक है, 1 में जब इसको पुट करवाएंगे तो ये हमारे पास 2 इंटू माइनस 9 ओवर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 9 ओवर 4, और प्लस हमारे पास आ जाएगा जी 16। ये होता है जी 2 2s आर 4 माइनस 9 ओवर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 को 9 से मल्टीप्लाई करवा लें तो क्या आएगा? माइनस का 63 ओवर 4 प्लस 16। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, इसकी हमने वैल्यूज पुट करवाई हैं x की। इधर ये हमारे पास 2 LCM आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 5 इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 LCM माइनस का 63 प्लस 4 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 64 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या बचेगा? माइनस 9 में से प्लस का 5 जाएगा तो बाकी क्या बचेगा जी? सॉरी, आपने 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। यहाँ पे 1 ओवर 2, ये आ जाएगा जी 1 ओवर 4। 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 का होल स्केयर, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो दोनों आंसर पे, दोनों जो हमारे पास रूट्स आए हैं उन पे आंसर जो है वो सही आ रहा है, इक्वल दोनों साइडें आ रही हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, दोनों ही जो है इसका सोल्यूशन सेट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट लिख लेंगे जी। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा जी? माइनस 1 एंड माइनस 9 ओवर 4, ये इसका क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपने लास्ट पे इसको चेक लाजमी करना होता है, क्योंकि ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन में बस सिर्फ
चेक करना ज़रूरी होता है, बाकी नो इशू। आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें या इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर टू सेम ही है। क्वेश्चन नंबर थ्री की थोड़ी सी मैं आपको जो है वो डिटेल बता देता हूँ कि उसको आपने किस तरह सॉल्व आउट करना है। उसके बाद हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव को भी, क्योंकि ये आसान सी एक्सरसाइज है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है जी फाइनल पेपर में, तो उसके लिए आपने इसको प्रिपेयर करना है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में हम लोगों ने क्या करना होता है जी, वो है जी 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस का 14 माइनस का 3। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, वही चीज़ ही है, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। ये इधर माइनस है, इधर आके हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 13x प्लस का 14, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने क्या करना है जी, सेम वही काम, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। जब आप इसका स्क्वेयर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, एक आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3 उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू 13x प्लस 14 उसका स्क्वेयर। डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारे पास इसका स्क्वेयर वाला फॉर्मूला लगा लें आप, 4x का स्क्वेयर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, सेम यही फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लगा के मैं इसको ओपन करवा रहा हूँ, 3 प्लस 3 का होल स्क्वेयर, ये स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल, 13x प्लस का 14, 4x का स्क्वेयर आ जाएगा जी 16x का स्क्वेयर प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24x प्लस 3 का स्क्वेयर हमारे पास 9, ये आ गया जी 13x प्लस का 14। डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास क्या बन गई है, एक इक्वेशन। अब इसको प्लस है तो इस साइड पे ला के माइनस करवा लें इसको जी आप लोग, 24x माइनस का 13x प्लस का 9 माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया 16x का स्क्वेयर प्लस 24 में से 13 जाएंगे तो बाकी हमारे पास 11x माइनस 9 में से 14 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बाकी माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन अगर आप लोग देखें तो हुई नहीं, फैक्टराइजेशन हुई है ना, 16 में से 5 जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा 11, अगर आप 16 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो भी आएगा वो आप लिख लेंगे, क्या आ जाएगी, फैक्टराइजेशन होगी आपके पास 16x का स्क्वेयर प्लस 16x माइनस का 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से हमारे पास क्या आ गया, 16x कॉमन, x प्लस 1 माइनस का 5 कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आ जाएगा x प्लस 1 और 16x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई, वही फॉर्म जो पहले हमने कन्वर्ट की थी, इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 16x प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, 16x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 ओवर 16। अब इसमें से आपने चेक कर लेना है कि कौन से रूट्स हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट बनते हैं और कौन से जो है वो उसका आंसर बनते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे जी चेक आउट, ठीक है। जब आप इसको चेक आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पहले पुट करवा लें जी, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। जब आप माइनस 1 इसमें पुट करवाएंगे तो ये हमारे पास 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 13 इंटू माइनस 1 प्लस 14 माइनस का 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 13 प्लस का 14 माइनस का 3 माइनस का 4, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 14 में से अगर आप माइनस करवा लें, किसको माइनस करवाएंगे जी, 14 में से माइनस 13 करवाएंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा जी, 1 माइनस का 3 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये 1 माइनस 3 तो माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो दोनों आंसर जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, तो इसलिए x माइनस 1 हमारे पास इसका क्या होगा, एक्सट्रीनियस रूट्स हो जाएंगे,
ठीक है। और दूसरा मेथड भी है, आप अगर इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर आप इसको पुट करवा के चेक करेंगे इस वैल्यू में, तो आपका ये भी आंसर एग्जैक्ट आएगा। वो भी चेक करवा देता हूँ, वो आंसर किस तरह आएगा, आपने इसको डायरेक्ट जो है वो इस वैल्यू में पहले जो आपने दी हुई है उसमें पुट नहीं करना, आपने पहले इसको सही तरतीब से लिखना है, तरतीब से लिखने के बाद फिर आपने इसको पुट करवाना है इसके अंदर। तो 4 इंटू माइनस 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 13 माइनस 1 प्लस का क्या आ जाएगा जी 14, ये माइनस का 4 प्लस का 3, इधर हमारे पास क्या बच जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 13 है, तो बाकी ये माइनस का 13 प्लस का 14 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 3 में से तो बाकी क्या बचेगा, माइनस 4 में से प्लस 3 करेंगे तो बाकी माइनस का 1, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये भी हमारे पास क्या हुए, इसके एक्सटेनियस रूट नहीं आया, ये माइनस 1 आया है और ये क्या आया है प्लस 1। आपने इसमें पुट करवाया तब भी नहीं आया, आपने इसमें पुट करवाया तो तब भी नहीं आया, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका एक्सटेनियस रूट ही बनेगा। नेक्स्ट आप 5/16 को पुट करवा के चेक करवा लें, आप पहले में ही पुट करवाएं, पुट x इज इक्वल टू 5/16 इन 1, जब 1 में पुट करवाएंगे 4/5/16 इज इक्वल टू 30/13 पे जब ये हमारे पास जाएगा तो क्या आ जाएगा जी 5/16 प्लस 14 माइनस का 3, 5 को जो है वो 4 को 5 से आप अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20/16 इज इक्वल टू 13 को आप 5 से मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 65/16 प्लस 14 माइनस का 3। डियर स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ऊपर हमारे पास 5 और नीचे 4 इज इक्वल टू, इधर आप एलसीएम ले लेंगे, क्या एलसीएम आ जाएगा जी 16, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 16 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 14 से तो ये आपके पास आ जाएगा जी 24, 6 और 2 8, 4 एंड 1 4, 2 और 2 224, ये हमारे पास 65 प्लस 224 माइनस का 3, 5/4 इज इक्वल टू 16। अब 65 को जब उसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5/4 9, 6/2 8 और ये 2 माइनस का 3, 5/4 डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, देखें ऊपर वाला हमारे पास 17 का स्केयर बन रहा है और नीचे क्या हो रहा है 4 का स्केयर बन रहा है, तो इसको मैं एक ही स्केयर रूट के नीचे लिख देता हूँ, 5/4 इज इक्वल टू 17/4 माइनस का 3। अब आप इसका एलसीएम जो है वो ले लें, इधर भी 5/4 इज इक्वल टू 4 एलसीएम, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12, 5/4 इज इक्वल टू क्या बचेगा से बाकी 5/4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे इसके रूट्स बन जाएंगे, यानी कि इसके रूट्स क्या आ जाएगा 5/16। ये आप लोगों को मैंने इसलिए बताया था ताकि आप लोग इसको भी देख सकें, ये नहीं कह सकें कि इसको सर जी इधर प्लस ये आपने इसको सॉल्व किया है तो फिर ये आंसर आया है, अगर आप इसको जिस तरह मर्जी पुट करवाएंगे, सॉल्व करने के बाद भी पुट करवाएंगे तब भी आपका आंसर जो है वो फिर भी जो है जैसा आपका आंसर इसमें पुट करवाने के बाद आएगा सेम उसी तरह, अगर वो एक्सटेनियस रूट होंगे तो एक्सटेनियस आएंगे, अगर वो इक्वेशन के रूट्स होंगे तो इक्वेशन के रूट्स बनेंगे, ये इसमें आपको कुछ मसला मसाइल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, आप सॉरी 6 देख लें, क्योंकि 6 अगर कर लेंगे तो आपको 5 भी आसान लगेगा, मैं आपको 6 समझा देता हूँ ताकि आपको 5 भी करने में कोई मुश्किलात का पेश सामना ना करना पड़े। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है, बिल्कुल सेम इसी तरह का ही क्वेश्चन है, उसमें आपने x को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके चले जाना है, जब आप उसको x की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या होगा जी उसका भी आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास,
एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें जो है वो रेडिकल इक्वेशन तो हमें पता ही है कौन सी है, इक्वेशन रेडिकल ही इक्वेशन है, लेकिन रेडिकल इक्वेशन होने के बावजूद ये हमारे पास तीन इसमें रेडिकल आ गए हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान से ही है, क्वेश्चन शॉर्ट होगा, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, रेडिकल को ख़त्म करना होता है। रेडिकल को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो x प्लस वन इसका प्लस x माइनस टू इसका होल स्क्वायर, x प्लस सिक्स उसका स्क्वायर। डियर स्टूडेंट इस पर स्क्वायर वाला यही फॉर्मूला लगा लें आप लोग, x प्लस वन उसका स्क्वायर प्लस टू फॉर्मूले वाला x प्लस वन एंड x माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू उसका होल स्केयर, स्केयर रूट से कैंसिल, एक्स प्लस हमारे पास सिक्स। डियर स्टूडेंट ये तो इससे कैंसिल हो गए, एक्स प्लस वन प्लस टू दोनों को एक ही अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं आप लोग, डियर स्टूडेंट्स अब देख लें, ये हमारे पास एक्स और एक्स टू एक्स प्लस ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो टू में से माइनस माइनस टू में से जो है वो वन जाएगा, तो बाकी माइनस का वन प्लस टू ये हमारे पास आ जाएंगे जी, ये एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स का स्केयर, एक्स को टू से करवाएंगे तो माइनस टू एक्स, एक्स को वन से तो प्लस एक्स, टू को वन से करवाएंगे तो आप लोग माइनस का टू, मल्टीप्लाई तो करवाना आता है ना, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, फिर सेकंड को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से इज इक्वल टू में हमारे पास एक्स प्लस क्या आ गया सिक्स। डियर स्टूडेंट्स अब आप इस साइड को उधर ले जाएं और उसको इधर ले आएँ, ये हमारे पास आ जाएगा जी टू एक्स माइनस वन माइनस का एक्स और माइनस का सिक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स का स्केयर, ये टू में से वन जाएगा बाकी क्या बचेगा जी हमारे पास, टू एक्स में से वन एक्स जाएगा बाकी माइनस का एक्स माइनस का टू। डियर स्टूडेंट्स 2x में से 1x जाएगा बाकी x माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस का 2 और ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 2। अब डियर स्टूडेंट्स फिर हमारे पास अंडर रूट आ गया है, तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, अगेन इसका क्या कर देंगे जी हम लोग डेरिवेटिव और सॉरी स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब इसका आप दोबारा स्क्वायर रूट लेंगे तो लिख लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब आप इसका दोबारा स्केयर ले रहे हैं तो ये हमारे पास x माइनस सेवन इसका स्केयर इज इक्वल टू माइनस टू एक्स का स्केयर माइनस एक्स माइनस का टू उसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा इसके स्क्वेयर, इस पे स्केयर वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लें, जब इस पे आप स्केयर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास एक्स का स्केयर माइनस टू फॉर्मूले वाला, क्योंकि अब ये माइनस का है तो माइनस वाला एक्स और उसके बाद सेवन प्लस सेवन का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर के नीचे जब माइनस आती है तो वो ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए ये माइनस ख़त्म हो जाएगी, टू का स्क्वायर हमारे पास फोर आ जाएगा और अंडर रूट वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर अंडर रूट से क्या आ जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का टू, ये आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर माइनस सेवन को टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे 14x प्लस सेवन का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू फोर को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें 4x का स्क्वायर, 4 को x से करवाएंगे 4x और माइनस 4 को 2 से करवाएंगे तो 8। अब डियर स्टूडेंट इस वैल्यूज को इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यूज के साथ ले जाएं, x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 8 माइनस x, ये इधर माइनस है प्लस है तो माइनस, ये इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस और ये प्लस है तो ये भी जाके माइनस इज इक्वल टू जीरो हो गई। ये था हमारे पास x का स्क्वायर, अब 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो बाकी हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस सॉरी 14x में से 4x जाएंगे तो प्लस 10x बच जाएगा जी हमारे पास। नेक्स्ट क्या आ जाएगा माइनस 49 में से माइनस का 8 माइनस करवाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 57 इज इक्वल टू ज़ीरो। डियर स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है जी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो हमें पता है हमने क्या यूज़ करना है,
हम लोग इसकी जगह पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो a इज इक्वल टू हमारे पास 3, b इज इक्वल टू हमारे पास 10 एंड c इज इक्वल टू माइनस का 57। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, x क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस वैल्यूज को क्या करना है, इसके अंदर पुट कर देना। किस तरह पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करवा लेते हैं जी। x इज इक्वल टू हमारे पास 10 माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस ये हमारे पास आ जाएगा जी 10 का स्केयर माइनस 4, a की जगह पे 3 एंड c की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 57 और 2 इंटू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख लेंगे x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10 प्लस माइनस 10 का स्केयर 100 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 12 को 57 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 684 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6। नेक्स्ट 684 में अगर आप 100 ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी माइनस का 10 प्लस माइनस 784 हो जाएगा और नीचे हमारे पास 6 है। 784 जो है वो 28 का स्केयर होता है, किसका स्केयर होता है 28 का, माइनस 10 प्लस माइनस 28 उसका स्केयर, नीचे हमारे पास 6, ये इसे कैंसिल, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 28 ओवर 6, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी माइनस 10 में अगर आप प्लस माइनस 28 करवाते हैं, एक दफ़ा इसको आप प्लस में लिख लें और एक दफ़ा क्या कर लेंगे हम लोग इसको माइनस में लिख लेंगे, माइनस 10 प्लस का 28 ओवर 6, दूसरी दफ़ा हमारे पास किस में आ जाएगा ये माइनस में, माइनस 10 माइनस 28 ओवर 6, तो x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा जी 18 ओवर 6, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 38 ओवर 6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 364 क्या आता है 18, एक तो x हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, इधर कैंसिल अगर हो रहा है तो कैंसिल आउट करके देख लें, 2 पे डिवाइड हो जाएगा माइनस 1 और 9, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3, एक x का ये आंसर आ गया। अब आप लोग इसको चेक आउट करेंगे जी, चेक आउट किस तरह करना है, सेम वही मैं यहाँ पे इसको आपको इसी में डायरेक्ट जो है वो पुट करके चेक करवा देता हूँ कि आपके पास सही कौन सा है और गलत कौन सा है, यानी कि एक्सट्रीनियस रूट कौन सा है और उसका इक्वेशन रूट्स कौन सा है। तो x इज इक्वल टू पहले 3 पुट करवा लें, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इसको इक्वेशन 1 बोलें, इक्वेशन 1, तो ये क्या आ जाएगा जी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू सॉरी प्लस है प्लस 3 माइनस 2, 3 प्लस 6 ये आ गया 4 प्लस 3 में से 2 बाकी 1 इज इक्वल टू 9, ये आ जाएगा जी 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, अगर आप पुट करें तो 1 हमारे पास 1 ही रहेगा, ये आ जाएगा जी 3 का स्केयर, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3। तो ये था हमारे पास इसका रूट। नेक्स्ट x माइनस 19 ओवर 3, ये आप लोग खुद चेक करेंगे, आई थिंक ये एक्सट्रीनियस रूट आएगा क्योंकि ये इक्वेशन का रूट नहीं बनेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आप लोग खुद चेक करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 देख लें, क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें हमारे पास उसको भी हमने चेकआउट भी करना है, सारा कुछ वैसे ही करना है जिस तरह हमने अभी ये वाला क्वेश्चन किया है। इन्हीं क्वेश्चन जो लास्ट वाले 3 हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से एक जो है वो मोस्टली पेपर में आएगा और आप लोगों ने उसको सॉल्व आउट करना होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 9, क्वेश्चन है जी एक्स का स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का स्केयर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये है जी हमारे पास क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं कि किस तरह सॉल्व आउट करना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करवा लें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड
जब स्केयर ऑन बोथ साइड करवाएंगे तो x का स्केयर प्लस x प्लस 1 इसका होल स्केयर और इसका स्केयर। अब इस पे स्केयर वाला फॉर्मूला लग जाएगा जी, x का स्केयर प्लस x प्लस 1। आप लोग इस पे स्केयर वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करें, आप इसको लेट करवा लें, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट जो है वो लेट करवा लें। कि लेट करवा लेते हैं जी हम लोग ये, और ये देखें दोनों हमारे पास सेम है, तो आप इसको लेट करवा लें कि y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस एक्स के इक्वल है, तो ये y प्लस 1 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड करवा लें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, जब आप स्केयर ऑन बोथ साइड करवाएंगे तो y प्लस 1 y माइनस 1 इसका होल स्केयर इज इक्वल टू 1 का स्केयर। स्केयर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें जी, y प्लस 1 उसका स्केयर माइनस 2 फॉर्मूले वाला y प्लस 1 और y माइनस 1 प्लस y माइनस 1 उसका होल स्केयर इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 ही रहेगा। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, y प्लस 1 माइनस 2 दोनों को एक ही अंडर रूट के नीचे लिख लें, y प्लस 1 एंड y माइनस 1 प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल, y और y क्या आ जाएगा 2y माइनस 2, एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा किस में है प्लस में, तो इसको लिख लें y का स्केयर माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा जी 2y माइनस का 2, ये आ जाएगा y का स्केयर माइनस 1 और 1। अब ये इधर माइनस है दूसरी साइड पे जाके प्लस, ये इधर प्लस है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट y का स्केयर माइनस 1। अभी फिर रेडिकल के नीचे आ रहा है तो दोबारा कर लेंगे जी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स 2y माइनस 1 उसका स्केयर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट y का स्केयर माइनस 1 उसका स्केयर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2y का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा अलहदा स्केयर माइनस 2 फॉर्मूले वाला 2y 1 प्लस 1 का क्या आ जाएगा जी हमारे पास स्केयर 2 का स्केयर 4, इसका स्केयर अंडर रूट से कैंसल। यहाँ तक क्लियर होगा, 2 का स्केयर 4y का स्केयर माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 4y का स्केयर माइनस 4। डियर स्टूडेंट्स अब इसको उठा के इस साइड पे लें, 4y का स्केयर माइनस 4y प्लस 1 माइनस 4y का स्केयर और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ये आपस में कैंसिल, माइनस का 4y 4 और 1 क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0, ये इधर प्लस है दूसरी साइड पे जाके माइनस, तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास 5 इज इक्वल टू 4y 4 इधर मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 5 ओवर 4। अब इसको इसके अंदर पुट करवा लें, किस तरह पुट होगा जी, रिप्लेसिंग करवानी है हमने, रिप्लेसिंग बाय y इज इक्वल टू x का स्केयर प्लस x, तो जब रिप्लेस करवाएंगे तो हमारे पास x का स्केयर प्लस x इज इक्वल टू 5 ओवर 4। डियर स्टूडेंट ये इधर डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई, x का स्केयर प्लस x इज इक्वल टू 5, 4x का स्केयर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। आसान सा काम है ठीक है, ये इधर प्लस है इधर आके माइनस, 4x का स्केयर प्लस 4x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। जी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास देख लें इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है या नहीं, अगर हो रही है तो ठीक, अगर नहीं हो रही तो हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन होता है, हम लोग इस पे क्या यूज़ कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो वही यूज़ करें आप लोग, a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू माइनस का 5, x इज इक्वल टू हमारे पास मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा 4 प्लस माइनस क्या हमारे पास आ जाएगा जी 4 का स्केयर माइनस 4 इंटू 4 और माइनस का 5, नीचे हमारे पास 2 इंटू 4, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस 16
माइनस माइनस प्लस। ले जी हमारे पास 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 16 को 5 से 80, यहाँ पे 80, ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी माइनस 4 प्लस माइनस 90, 6/8। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा किस में लिख लेना है माइनस में। किस तरह लिखेंगे वो भी देख लेते हैं जी, यहाँ पे आपको मैं वो भी करके चेक करवा देता हूँ कि किस तरह आप उसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा जी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको सोल्व कर दो इसको। अगर आप 16 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास बनेगा 96। एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6/8, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, माइनस 4 प्लस माइनस 4 बाहर और 6/8। ऊपर से 4 कॉमन ले लेंगे आप लोग, माइनस 1 प्लस माइनस 6 और नीचे हमारे पास 8, इसको इससे कैंसिल करवा दें तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6/2। डियर स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू आई है एक दफ़ा किस में आई है प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, आप इसको लिख लें x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 6/2, x इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस अंडर रूट 6/2। ये आ गई। अब इसको हमने